नेताजी की मौत ही नहीं, उनकी जिंदगी भी पूरी रहस्यमयी थी। जहां आज तक ये पता नहीं चला कि उनकी मौत एरोप्लेन क्रैश में हुई या फिर बाद में वो अपनी उम्र के साथ ही उनकी मौत हुई थी, वहीं दूसरी ओर उनकी जिंदगी के आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो कभी भी सुलझा नहीं पाए हैं हम लोग। एक ऐसा बच्चा जब IAS IPS की परीक्षा भी लोग पास नहीं कर पाते थे अंग्रेजों के समय में, जो उस समय लंदन में होती थी, वो उस समय टॉप करते हैं, और सिर्फ उसी परीक्षा में नहीं, वो अपने राजनीतिक और आज़ादी के लिए दिए गए योगदान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि गांधी जब अपने उच्च स्तर पर थे, उस समय गांधी के कैंडिडेट को कांग्रेस के इलेक्शन में हराना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो गांधी की इज्जत करते थे, इसलिए बाद में उन्होंने ये छोड़ दिया था। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन वो सम्मान जो वो गांधी का करते थे और क्रांतिकारियों का करते थे, या फिर देश के लिए वो जो त्याग करते थे, वो सम्मान वापस कभी भी नेताजी को नहीं मिला। देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल आज एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि नेताजी अगर होते तो देश का बंटवारा ना होता। क्या इसमें कोई सच्चाई है, और क्या इतना दम नेताजी रखते थे कि अगर वो होते तो बंटवारा ना होता? इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम को संबोधित करते हुए NSA अजीत डोभाल कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो बंटवारा देश का कभी नहीं होता। बंटवारे का दर्द वो दर्द है कि जब हमें तथाकथित जब आज़ादी मिली, उससे कहीं ज़्यादा दर्द बंटवारे का हुआ। लेकिन इसकी नींव पहले ही रख दी गई थी, और जिन्ना और एक तरफ नेहरू जहां सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पीछे से गांधी जी का सपोर्ट नेहरू को था कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वहीं अंग्रेज अपनी योजना बना रहे थे कि किस तरीके से इस देश का बंटवारा किया जाए। फाइनली वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच उस समय भी इसे रोकने की कोशिश नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वो पहले ही जान गए थे, और जिन्ना जब 23 मार्च 1940 को बड़ी बड़ी रैलियां करता है और देश के बंटवारे की बात, उसकी मांग पहली बार रखता है, और जहर उगलता है हिंदुओं के खिलाफ, और उसके बाद जब बंगाल बन जाता है, बंगाल का विभाजन होता है, तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा जब तूल पकड़ने लगता है, तो नेताजी समझ गए थे कि अब इसको एक साथ बांध कर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है। तो वो समझ गए थे सिर्फ एक ही चारा है कि जिन्ना ये मानने वाला नहीं है, और जब तक जिन्ना को कोई संवैधानिक पद नहीं दिया जाएगा, राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा, वो इस बात से नहीं मानेगा। उन्होंने राजगोपालाचार्य और महात्मा गांधी को भी मनाकर जिन्ना के सामने पेशकश रख दी थी कि वो अखंड भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इससे दर्द किसको हुआ? नेहरू को। नेहरू खुद सत्ता पाना चाहता था, और उसने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इसके बाद मांग जो थी वो लगातार बनी रही, और उसके बाद भारत का विभाजन हो जाता है, बाकी का इतिहास आप सभी को पता ही है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिस विचारधारा, जिस सोच से नेताजी आगे बढ़ रहे थे, अगर वो होती तो बंटवारा तो होता ही नहीं, दूसरी ओर भारत जल्द ही आज़ाद हो जाता। जहाँ एक तरफ गांधी के साथ और कांग्रेस भी, पूरी कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर असलियत ये है कि सच्चाई ये थी कि अंग्रेज उस समय काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, और नेताजी का मानना था कि जब कमज़ोर पर वार किया जाए तो वो अपना देश ही नहीं संभाल पाएगा, राज करना तो दूर की बात है। इसलिए उन्होंने जर्मनी जापान जाकर उनसे मदद मांगी, और उसके बाद बाहर से हमला किया अंग्रेजों पर ताकि वो उसी समय छोड़कर चले जाए। हालांकि गांधी ने यह कहा था कि इससे फासीवाद आ जाएगा, और हो सकता है जर्मनी का हिटलर हम पर कब्जा कर ले। ये सिर्फ काल्पनिक बातें थी जो शायद हो सकती थी, लेकिन उसके लिए नेताजी तैयार नहीं थे, और उन्होंने पहले से ही उसके लिए तैयारी कर रखी थी, हिटलर से संबंध बना लिए थे। लेकिन हुआ वही जो नीति को करना था, और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्लेन क्रैश कहते हैं, जो आज भी एक रहस्यमय चीज है कि उसमें मौत हो जाती है, हालांकि ये भी मत है कि वो बाद में भी देखे गए हैं, और गुमनामी बाबा की तरह उन्होंने जीवन बिताया है देश की आज़ादी के बाद देश में। लेकिन ये सभी वो थ्योरीज हैं जो चल रही हैं, लेकिन बात यहाँ पर इतनी ज़रूर है कि अगर एक नेता कोई भी हो जो इस बंटवारे को रोक सकता था,
और जो इस देश को एक अगले पटल पर लेकर जा सकता था देश की आजादी के बाद। उनका ये मानना था कि देश की आजादी, देश के लोगों की आजादी सिर्फ बेड़िया काटने से नहीं होगी, हमें उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी जब तक हम लोगों को नहीं दे देते जब तक आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। आप सोचिए इस बात को, वो इतनी बड़ी सोच रखते थे और वो हमें आज देश की आजादी के 75 साल बाद भी नहीं मिली है। क्या आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए? क्या आप सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए? क्या आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए? कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन जो चीज, जो देश की आजादी हमारे क्रांतिकारियों ने और नेताजी ने सोची थी, वो हमें आज तक नहीं मिली है। और वो वही चाहते थे, और बिना बंटवारे के, जो त्याग, जो तप नेताजी ने, उस क्रांतिकारी ने किया था देश की आजादी के लिए, देश के लिए जो त्याग किया था क्रांतिकारियों ने, सभी ने अपनी जान गवाई, अपनी जान इस देश के लिए बलिदान दी, लेकिन जो तप उन्होंने किया, शायद उसका मोल देश कभी नहीं चुका पाए और ना ही कभी आगे चुका पाएगा, बल्कि हमने उनका अपमान ही किया है उनके इस ऋण के लिए उन्हें सम्मान न देकर। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।